नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। ये डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। 8 वर्ष सेवाकाल पर मिलेगी पेंशन है। जी हाँ, किसने ये बात कही है और किसको मिलेगी 8 वर्ष सेवाकाल के बाद पेंशन, पूरी जानकारी इसके बारे में आपके साथ साझा करेंगे। प्रतिबंध के 23 दिन बाद जुर्माने का प्रावधान। जी हाँ, कौन से वस्तुओं पर प्रतिबंध के 23 दिन बाद जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ये भी पूरी खबर आपके साथ साझा की जाएगी। डरा रही है बाजार की भीड़। जी हाँ, बाजारों में लोगों का बिना मास्क घूमना कोरोना को दस्तक देना है। जी हाँ, और ये भीड़ जो है लगातार डरा रही है। पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी इसके बारे में आपके साथ साझा करेंगे। तो ये है आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि मैं आपके साथ ये सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSB न्यूज को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिल सके और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उपाध्यक्ष से राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए राज्य के प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने राज्य में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 1,000 करोड़ रुपए के विशेष सहायता अनुदान का भी आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल शिमला के ओर से GNM प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें सरकारी GNM ट्रेनिंग स्कूल चंबा की प्रशिक्षु छात्राओं ने प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रधानाचार्य नर्सिंग ऑफिसर कुसुम गुरुंग ने बताया कि स्कूल का परिणाम जो है वो 100% रहा है। इसमें शालिनी ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक मामले में हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 8 वर्ष सेवाकाल पर भी अब पेंशन मिलेगी। नियमित सेवा में दिहाड़ी का 20% कार्यकाल जुड़ेगा। हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का गलत व्याख्यान किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर इसे रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए प्रार्थी बालू देवी को उसके पति की ओर से सरकार को दी गई सेवाओं की एवज में पेंशन देने के आदेश जारी किए हैं। अब कुल्लू और मनाली की वादियों में सैर सपाटे के लिए आने वाले देश विदेश के सैलानी कास्ट शिल्प से भी रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए वन विभाग पार्वती वन मंडल शमसी में प्रदेश के पहले बुडवेस्ट म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। पार्वती वन प्रभाग के स्वीकृति लकड़ी आधारित उद्योग का कार्यकाल परियोजना के तहत ये संग्रहालय तैयार हो रहा है। 10 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस बुडवेस्ट म्यूजियम में लकड़ी उद्योग से जुड़ी पुरानी वस्तु संग्रहित की जाएंगी। दूसरों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से स्वच्छ होगा। इसके लिए विभाग पहली बार प्रदेश के 72 अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है। ये सभी अगस्त के अंत तक कार्य करना शुरू कर देंगे। इनका निर्माण करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश के अस्पतालों में से निकलने वाले सीवरेज के ट्रीटमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर 1 जुलाई से प्रतिबंध होने के बावजूद 13 पर 23 दिन बाद जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जहां शनिवार को पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इन 13 वस्तुओं पर 500 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। जुर्माना लगाने के लिए 13 विभागों के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। नए प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तु पाए जाने पर उसे 500 रुपये और संस्थागत यानी कि शिक्षण संस्थानों, ढाबों, होटलों और दुकान आदि से मिलने पर 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना होगा। इसमें 1 वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है। राजधानी शिमला में इन दिनों कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। हर दिन कोरोना के 100 के लगभग नए मामले सामने आ रहे हैं। शहर के अस्पतालों में भी कोरोना के टेस्ट करवाने के लिए लोगों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। IGMC में फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या 17 पहुंच गई है। दूसरी तरफ शहर के बाजारों में बढ़ रही भीड़ और कोरोना के बढ़ते मामले लोगों को डरा रहे हैं। लोग बिना किसी एहतियात के घूम रहे हैं। कोरोना के नियमों को तो लोग अब पूरी तरह से भूल ही चुके हैं। अटल टनल पर प्लानिंग की बंदिशें लगा दी गई हैं। इसके अलावा सोलंग नाला के स्पेशल एरिया में भी बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसमें सोलंग के विशेष क्षेत्र में कुछ क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। नगर पंचायत नगर एवं ग्राम योजना विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इसके आदेश जारी किए हैं।
लद्दाख दौरे पर गए तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा कि विभिन्न धर्म मानवीय जीवन के बुनियादी मूल्यों को पहचाने। शनिवार को अपनी इंटरफेस तीर्थयात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि लद्दाख धार्मिक विविधताओं वाली धरती है। यहाँ अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। लोग सदियों से एक दूसरे के साथ प्रेम और एकता से रहते हैं। जिला सोलन समेत बद्दी नालगढ़ को स्ट्रे कैटल फ्री करवाने के दावे फेल हो रहे हैं। सड़कों पर विचरण करता गौवंश प्रदेश सरकार और गौ सेवा के इन दावों को ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। वैसे तो प्रदेश भर में जगह जगह गौवंश सड़कों पर बेसहारा घूमता नजर आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आवारा पशुओं की समस्या बद्दी नालगढ़ में देखने को मिल रही है। ऐसा नजारा बद्दी नालगढ़ हाईवे पर अमूमन रोजाना देखने को मिलता है। कई बार तो गौवंश सड़कों के बीचों बीच आ जाता है, जिसकी वजह से हादसों का भी खतरा बना रहता है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।